बट भी डिप्रेशन में है, वो भी खाना नहीं खा रहा है। तो जैसे ह्यूमन को फीलिंग होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी फीलिंग होती है। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। 11 बजे है, 12 बजे से कॉलेज है, 12:30 बजे से। तो जल्दी निकलती हूँ, नीचे थोड़ा कुछ काम भी है पार्सल रूम में, और फिर कॉलेज में प्रिंट आउट भी निकालनी है। और याद कर रही थी कि कुछ असाइनमेंट्स वगैरह है क्या, तो कुछ भी नहीं है। तो बस अभी रेडी तो हो गई हूँ, टिफिन भी पैक कर लिया है, चलते हैं कॉलेज के लिए। ये देखिए स्प्रिंग का डेकोरेशन, ये रहा लीजिंग ऑफिस। अभी जा रही हूँ पार्सल रूम में, और ये हमेशा ही बंद होता है। मैं कंटिन्यू 2 दिन से आ रही हूँ पर बंद ही है, तो आज भी बंद ही दिख रहा है। देखिए गेट तो बंद है, फिर भी जाके देखती हूँ। पार्सल रूम तो आज 12 बजे खुलने वाला है, तो अभी तो 12 बजने को टाइम है, तो अभी पहले कॉलेज में जाती हूँ, देखते हैं कल ही पार्सल लेना होगा शायद। अभी आ गई है बस। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे एक शॉर्टकट पता चला है, तो ये देखिए ये है वो, यहाँ से। और ये है पार्किंग। सबसे पहले तो प्रिंट आउट निकालनी है, तो अभी जाती हूँ प्रिंट आउट निकालने। अभी प्रिंट आउट निकालती हूँ। और ये है कंप्यूटर लैब, वहाँ पर है हनिंगटन बैंक की ब्रांच। बहुत टाइम लग रहा है आज प्रिंट आउट निकालने में। फर्स्ट लेक्चर तो हो गया है, और अभी सेकेंड लेक्चर के जहाँ पर लेक्चर होता है क्लासरूम में जाके मैंने अपनी बैग रख दी है, जगह पकड़ ली है। जब भी एग्ज़ाम वगैरह होती है तो मैं लास्ट बेंच पे बैठना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट बेंच में बहुत डर लगता है और प्रोफेसर देखते रहते हैं, तो जो भी आता है वो भी भूल जाती हूँ। तो पर मेरे से पहले तो आधा क्लास आ गया था। अभी बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्विज कैसा जाएगा। तो बस अभी डायरेक्ट क्विज होने के बाद आपसे बात करती हूँ। हो गई है क्विज, पता नहीं मैंने कैसा लिखा क्या लिखा, इन मोमेंट पे मैं कंफ्यूज हो गई, पर मैंने आंसर तो लिख लिया है। अभी देखते हैं कि कैसा मार्क्स आने के बाद पता चलेगा। और अभी टिफिन खाती हूँ, और उसके बाद फिर प्रोफेसर से मिलने जाना है। अभी सिर्फ लाउंज में आई हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ। देखिए ये व्यू मुझे बहुत पसंद है, पीएनसी बैंक वहाँ पर है, वो देखिए रिजर्व स्क्वायर, और मेरा फ्लोर भी दिख रहा है यहाँ से। और अभी मैं मेरा फ्लोर नहीं बताऊंगी, और ये अच्छा लग रहा है। हो गया है लंच, और अभी प्रोफेसर के ऑफिस जा रही हूँ, कुछ बात करनी है, और उसके बाद थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर है, आज का लास्ट लेक्चर। थर्ड लेक्चर के लिए ये देखिए यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर थर्ड, और प्रोफेसर से बात तो हो गई है। तो आज के सारे लेक्चर हो गए हैं, अभी घर जाना है। अभी आई हूँ पार्सल रूम में पार्सल कलेक्ट करने। अमेजोन से पार्सल ले लिया है मैंने, और देखिए यहाँ पर पहले एटीएम था, एटीएम मशीन, अभी वो निकाल दिया और है ही नहीं यहाँ पर। आई हूँ सिटी फूड में, बस ऐसे ही
क्या क्या सब्जियां है यहाँ पर देखने। वैसे कुछ लेना तो नहीं है पर ऐसे ही आ गई। घर फ्रेश हो गए और अभी कुछ ठंडा सा पीने का मन हो रहा है तो ये फ्रूटी है, अभी ये फ्रूटी पीती हूँ। ये देखो नीचे फायर ब्रिगेड आ गई है और देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। उस साइड में लाइट है, इस साइड में सनलाइट आ ही नहीं रही है। बेस्ट लग रहा है मुझे ये। मैं घर में आके थोड़े बहुत यूट्यूब पे न्यूज़ वगैरह देखी, आराम किया और अभी डिनर कर लिया। तो बस अभी बर्तन धोने हैं और फिर सोती हूँ। आज मैंने यूट्यूब पे न्यूज़ देखी कि आरिफ भाई और सारस करके है, तो सारस एक बर्ड होता है वो तो बहुत जख्मी था, तो आरिफ भाई ने उसको ठीक किया और फिर उसको ठीक करने के बाद जंगल में छोड़ने गए। तो फिर वो उनको छोड़ के गया ही नहीं, वो आरिफ भाई जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर वो सारस उनके पीछे पीछे आता था वो बर्ड। तो पर आप अभी ऐसे वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनको अपने पास नहीं रख सकते, पर आरिफ भाई ने खुद से अपने उनको उस बर्ड को कैद करके तो नहीं रखा था। तो ये स्टोरी जो है मुझे सुन के अच्छा लगा, न्यूज़ सुन के अच्छा लगा। पर अभी ये सुना है कि वो बर्ड को चिड़ियाघर में वापस भेजती, मतलब कैद करके रखा है, तो वो बर्ड भी डिप्रेशन में है, वो भी खाना नहीं खा रहा है। तो जैसे ह्यूमन को फीलिंग होती है वैसे ही एनिमल्स को भी फीलिंग होती है। तो मुझे तो लगता है कि बर्ड अभी इतना डिप्रेशन में चला गया है तो उनको वापस आरिफ भाई के पास मिलाना चाहिए, उनके पास छोड़ना चाहिए। पर बाकी एक ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर अगर दूसरी साइड देखा जाए तो ऐसा है कि वो सारस बर्ड जो है उसको तो कैद करके नहीं रखा है, तो वो जहाँ पर भी आरिफ भाई जाते हैं तो उनके पीछे पीछे वो बर्ड जाता है। तो फिर आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि मुझे भाई एनिमल से बहुत डर लगता है, स्पेशली डॉग या फिर ऐसे बर्ड वगैरह हुए तो मुझे उनसे थोड़ा बहुत डर लगता है। तो बाकी लोगों की भी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उस बर्ड को चिड़ियाघर में डाल दिया है। अगर बाकी लोगों का सेफ्टी का सोचे तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि उस बर्ड को वापस देना चाहिए या चिड़ियाघर में ही रखना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। तो बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में भी बता दूँ। तो बस अभी बर्तन धो के सोती हूँ, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अभी हो गया है लंच, लंच हो गया है, अभी एक प्रोफेसर से मिलने जाना है, कुछ बात करनी है। प्रोफेसर के ऑफिस जाती हूँ।